सुप्रभात बच्चों, आज हम जो हैं अपने पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, किरमिच की गेंद के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है हमारा, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी व तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो बेटा, घर में उस समय उसकी माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि दिनेश की माँ कपड़े सिलने वाली, जिसे हम सिलाई मशीन भी कहते हैं, सिलाई मशीन चला रही होगी। वह हमने इस मशीन को अपने घर में, अपने पड़ोस में और बाजार में दर्जी की दुकान पर भी देखा है। सिलाई मशीन कहाँ होती है? दर्जी की दुकान पे होती है या हमारे घर में होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? उसको कैसे इतना कॉन्फिडेंस हुआ? तो इसका उत्तर है, क्योंकि दिनेश जानता था, क्योंकि दीपक ने बताया था कि गेंद जो है मेरी 5 महीने पहले खोई है। तो दिनेश को अच्छी तरह जानता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई गेंद या कोई भी चीज़, कोई वस्तु जो है 5 महीने मिट्टी में पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। और ये गेंद कैसी थी? बिल्कुल नई, चमचमाती थी। इसलिए उसे पक्का पता था कि यह गेंद दीपक की तो हो ही नहीं सकती है और वो झूठ बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बतलाई? उसने उस गेंद को हथियाने के लिए, अपना बताने के लिए क्या क्या बताया? तो दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बातें बताई। पहली बात उसने बताई कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, मतलब उसकी गेंद खोई हुई है। और इसलिए, क्योंकि वो दिनेश को मिली थी तो उसने कहा भी मेरी गेंद खोई थी तो ये गेंद वही होगी। दूसरा उसने बताया कि उसकी गेंद पर भी इस गेंद जैसा लाल रंग का एक निशान था। अगली बात उसने बताई कि वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है, मतलब उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। वो ये कहना चाह रहा था कि ये गेंद मेरे पापा ने भी देखी है। और लास्ट में उसने कहा, उसकी गेंद के टप्पे की आवाज़ भी ऐसी ही आती है, मतलब जैसे इसको धरती पे मारने पे जैसी आवाज़ आ रही है, मेरी गेंद की भी वैसी ही आवाज़ आती थी। तो उसने ये सारी बातें बताई कि ये गेंद मेरी ही है। और नीचे कुछ शब्द दर्द है बेटा, उनको आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छा अच्छा साफ सुथरा करेंगे।